नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। शनिवार की सुबह एक बेहद दुखद खबर के साथ शुरू हुई और ये खबर आई महाराष्ट्र के भंडारा से। यहां पर एक सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में बीती रात आग लग गई। ये आग लगी है शॉर्ट सर्किट से, जो कि शुरुआती जांच में सामने आया है। और जो खबर अब हम आपको देने जा रहे हैं, यकीनन उससे आपका भी दिल पसीज जाएगा। दरअसल ये बच्चों का वार्ड था जिसमें आग लगी और इसमें 10 नवजात बच्चों के मरने की खबर सामने आ रही है। ये वो बच्चे थे जो 1 से लेकर सिर्फ 3 दिन के थे, जिन्हें ये भी नहीं पता था अच्छे से कि वो इस दुनिया में कदम रख चुके हैं। आगे आने वाली दुनिया उनकी कैसी है, मुझे लगता है कि इतना छोटा बच्चा, मतलब समझ लीजिए कुछ घंटे का बच्चा, जो ढंग से अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानता, वो ये समझ लीजिए कि जिंदगी जीने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। तो ये बेहद दर्दनाक खबर महाराष्ट्र के भंडारा के एक सरकारी अस्पताल से सामने आई है। शॉर्ट सर्किट फिलहाल आग की वजह बताई जा रही है, लेकिन जांच में निकलकर सामने आएगा कि किसकी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस ये जो बच्चा वार्ड था, इसमें आईसीयू वार्ड में लगभग 17 बच्चे मौजूद थे, इनमें से 10 की मौत हो गई है, जबकि जो 7 बच्चे हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और हम और पूरा देश तो यही दुआ कर रहा है कि ये मौत का आंकड़ा ना बढ़े। हालांकि ये जो बच्चे जिनकी मौत हुई है, इनके परिवार वालों में अब अस्पताल के खिलाफ रोष है, सरकार के खिलाफ रोष है। और सरकारी अस्पताल की हालत क्या है ये साफ तौर पर बयां कर रही है ये तस्वीर। आपको बता दें, इस पूरे दर्दनाक हादसे पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके शोक जताया है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि घटना में मारे गए और घायल लोगों के परिवार को सभी संभव सहायता उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों का हौसला बंधाया है। ट्वीट करते हुए अमित शाह ने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने दर्द को शब्दों में नहीं लिख सकता। मेरे विचार और संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। भगवान उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे। तो ये महाराष्ट्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है और यही उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा मौत का ना बढ़े। लेकिन सोचिए, 1 से 3 दिन के बच्चे जिंदा जलकर मर गए, जाहिर तौर पर बेहद दर्दनाक खबर। क्या घटना हुई है, कितना कैजुअल्टी हुआ? रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यू बॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी। और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए हैं। सर, इंक्वायरी किस तरीके की होगी? इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पर उसको चिन्हित किया जाएगा। नहीं, अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे। आज सवेरे 1:30 बजे डिस्ट्रिक्ट भंडारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर SNCU वार्ड जो है, उस वार्ड में जो बेबी वार्मर्स होते हैं उसमें 10 बालक उपचार ले रहे थे। शॉर्ट सर्किट के वजह से, जो मुझे बताया गया है प्रथम दर्शनी की, वहाँ पर आग लगी और वो फायर के वजह से बहुत बड़े पैमाने पे उस वार्ड में ब्लैक कलर का स्मोक, धुआं निर्माण हुआ। वहाँ पर जो भी नर्स और वार्ड वाइज सिक्योरिटी लोग थे, उन्होंने पूरा कोशिश करके कुल मिला के 2 वार्ड में मिला के 17 बालक थे, उसमें से 7 बालक बचा पाए और 10 बालक की दुर्दैव से मृत्यु हुई है। उसमें सफोकेशन से 7 बालक की मृत्यु हुई और 3 बालक की फायर के वजह से मृत्यु हुई है। यहाँ पर ये घटना स्थल पर कलेक्टर, SP, हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर, सिविल सर्जन, सभी लोग रात को 1:30 बजे 2 बजे के बाद अभी तक काम कर रहे हैं। जो 2 लीगल प्रॉब्लम्स थे, जिसमें एक पोस्टमार्टम जरूरी होता है, लेकिन होम सेक्रेटरी ने ये वेव किया है और पोस्टमार्टम न करते हुए बॉडीज को फैमिली के ताबे में देने के लिए वहाँ पर हमने आदेश जारी किया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीज पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।